फरवरी का महीना था, शाम की 5 बज रहे थे। श्यामलाल अपनी पत्नी रेनू को लाने उसके मायके यानी अपने ससुराल गया हुआ था। तभी उसकी सासू माँ उसके पास आई और बोली, बेटा इतने दिनों के बाद आए हो, आज रात तुम हमारे यहाँ रुक जाओ और सुबह बेटी को साथ लेकर घर चले जाना। तो वह कहने लगा, ठीक है मान जी। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी रेनू चाय और बिस्कुट लेकर उसके के पास आई और बगल में बैठकर बातें करने लगी। तभी श्यामलाल अपनी पत्नी रेनू से कहा कि बहुत दिन हो गया है तुमसे प्यार नहीं किया, आज तुमसे प्यार करने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए रात को तुम हमारे पास आ जाना। तभी वे मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। दोनों इस तरह की बातें कर रहे थे तभी उसकी साली वहां पर आ गई और पर्दे के पीछे से सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनने लगी। जैसे ही वे जीजा और बहन की प्यार भरी बातें सुनी तो उसके मन के अंदर वासना भर गई और जीजा के प्रति उसके मन में प्यार जाग गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अफेयर में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जैसे ही जीजा के प्रति उसके मन में प्यार जागृत हुई तो वैसे ही रात हो गया और सभी परिवार के लोग खाना खाकर अपने अपने बिस्तर पर चले गए। इधर श्याम लाल की पत्नी अपने पति का बिस्तर बगल वाले रूम में लगा दिया और कहा, आप लेट कर आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। ये कहकर वापस अपनी बहन के रूम में चली आई और उसके बिस्तर पर लेट गई और बहन की सोने का इंतजार करने लगी, लेकिन वह इंतजार करते करते खुद ही सो गई। उधर श्यामलाल अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए तड़प रहा था, इसी का फायदा उठाकर साली बिस्तर से उठी और अपने जीजा के रूम में जा पहुंची और लाइट ऑफ करके रजाई ओढ़कर जीजा के बगल लेट गई। जैसे ही साली अपने जीजा के बगल लेटी तो श्यामलाल साली को पत्नी समझकर उसके नाजुक अंगों को सहलाने लगा। कुछ देर सहलाने के बाद जीजा साली के साथ इकसठ बासठ करने लगा। कमरे में अंधेरा होने के कारण वह समझ नहीं पाया कि पत्नी है कि कोई और, क्योंकि पत्नी और साली की आवाज लगभग एक जैसे थी। जब दोनों नाजायज संबंध बना के शांत हुए तो तुरंत उसकी साली चालाकी दिखाते हुए वहां से उठकर अपने रूम में चली आई और सो गई। इधर जब श्यामलाल की पत्नी रेनू की आँख खुली तो वह तुरंत अपने पति के रूम में गई और उसे जगाने लगी। जैसे ही वह जागा तो दोनों मजे से शारीरिक संबंध बनाने लगे। संबंध बनाने के बाद श्यामलाल अपनी पत्नी रेनू से कहा कि आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया, एक रात में दो दो बार प्यार देकर। ये सुनते ही पत्नी रेनू आश्चर्य में पड़ गई और पति श्यामलाल से कहने लगी, एक रात में दो दो बार कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वह पूरा मामला विस्तार से बताया तो उसकी पत्नी उससे मुस्कुराकर कहने लगी कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तो अभी अभी तुम्हारे पास आई हूँ। यह सुनते ही श्यामलाल भी आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि पत्नी तो कह रही है मैं अभी अभी आई हूँ तो फिर वो कौन थी। इस तरह सोचते सोचते सुबह हो गई, लेकिन श्यामलाल अभी भी आश्चर्य में था। जैसे ही सुबह हुआ तो उसकी साली उसके पास आई और हंसते हुए बोली, क्या हुआ जीजा जी, रात में मजा नहीं आया था। तभी वह समझ गया कि हमारी साली जी ही थी और वह भी हंसते हुए बोला कि मजा तो तब आएगा जब आप हमारे घर घूमने चलेंगे। ये सुनते ही साली अपनी बहन के साथ जीजा के घर जाने के लिए तैयार हो गई, जिसके बाद जीजा साली और पत्नी दोनों को लेकर घर आ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात हो गई। जीजा न बिस्तर साली से मिलने के लिए दूसरे रूम में लगा लिया और लेट गया। इधर श्यामलाल की पत्नी और उसकी साली एक साथ लेट गई। जैसे ही आधी रात हुआ तो श्यामलाल अपने साली को जगाने उसके रूम में गया और चुपके से साली को जगाकर अपने रूम में ले आया। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से नाजायज संबंध बनाने लगे। तभी उसकी पत्नी रेनू को लघु शंका लग गई और वह जैसे बिस्तर से उठी तो देखी कि छोटी बहन बिस्तर से गायब। वह तुरंत पति को जगाने के लिए उसके रूम में गई और जैसे ही वे उसके रूम में पहुंची तो अंदर का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत दोनों को डांटने लगी। कुछ देर तक डांटने के बाद वह शांत हो गई और छोटी बहन को लेकर अपनी रूम में चली आई और सो गई। जैसे ही सुबह हुआ तो सारी बात फोन के माध्यम से अपनी माँ को बताई, जिसके तुरंत बाद उसकी माँ श्यामलाल के घर आई और बेटी को लेकर वापस अपने घर चली गई। तो देखा दोस्तों आपने, आजकल समाज में ऐसी घटनाएं अक्सर घट रही, इसलिए आप आपराधिक मानसिकता को समझें और सतर्क रहें।